प्री के लिए मुझे ऐसा लगता है प्री इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जब तक आपका प्री नहीं होता तो आप कितने भी मेन्स और इंटरव्यू का सोचे वो हो नहीं पाएगा. तो प्री के लिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आपको इन डेप्थ बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत याद रखना पड़ता है. मेन्स का अगर कंपेरिजन करें तो मेन्स इज आई फील कंपेरेटिवली बेटर, बिकॉज उसमें आपको 2-3 महीने में आपकी तैयारी हो जाती है अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस. बेस्ट दैट आई प्रैक्टिस वॉज कि मैंने मल्टीपल टेस्ट प्रैक्टिस करे, स्पेशली कौटिल्य में, एंड जो भी फीडबैक मुझे मिला उसको मैंने अपने मेन्स एग्जाम में इम्प्लीमेंट किया. फॉर इंटरव्यू यू नीड प्रेपरेशन, सो जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे उतना बेटर. ऑनेस्टली जितना टाइम मिल सकता है उतना देती थी, अगर और कुछ नहीं कर रही हूँ तो पढ़ रही हूँ. एंड ऐसा नहीं है मस्ती भी पूरी कर रही हूँ, बट इफ योर एम इज़ टू गेट इन टू MPPSC, इफ योर एम इज़ टू बी अमंग द टॉप 10, देन ऑफकोर्स यू हैव टू स्टडी हार्ड. कितने सालों से आप तैयारी कर रहे थे और सोशल मीडिया के लिए क्या कहना चाहते? मेरी पढ़ाई UPSC के लिए चल रही थी, बट क्योंकि मेरा 2 साल से कुछ नंबर से प्री रुक रहा था, तो इस बार जैसे ही नोटिफिकेशन आया MPPSC का मैंने वो भरा, प्री निकला, तो फिर मैंने मेन्स की बाकी प्रेपरेशन करी. ये मेरा फर्स्ट अपडेट था. एंड फॉर सोशल मीडिया आई थिंक जितना दूर रह सकते हैं सोशल मीडिया से उतना अच्छा है. मेरा 2-3 साल से सोशल मीडिया एकदम बंद था, क्योंकि डाइवर्जन्स आ जाते हैं, हम दूसरों को देख के थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाते हैं, तो फोकस करना चाहिए भी पढ़ाई पर. वंस यू आर देयर ऑफकोर्स फिर जो करना है. आगे क्या आप UPSC के लिए भी तैयारी करेंगे कि यही पर सफल होती है? नहीं, मैं UPSC की पढ़ाई करेंगे.